सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अब्दुल पर जानलेवा हमला हुआ है। करीब 10 से 15 लोगों ने मिलकर धारदार हथियार से वार किया है। ये पूरा मामला उल्लासनगर के कैंप नंबर 1 के पास अमरधाम ऑटो रिक्शा स्टैंड पर अब्दुल अपने दोस्त के साथ में खड़ा था, तब 4 बाइक सवार 10 से 15 लोग आए और उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे। अब्दुल के इनकार करने पर उन लोगों ने चाकू, कोयता, पत्थर और डंडे से जानलेवा अब्दुल पर हमला कर दिया। कमर पर 7 से 8 वार, सिर पर, पैर पर भी वार किए हैं, जिससे अब्दुल बुरी तरह से घायल हो गया। उसे तुरंत मध्यवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात चिंताजनक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। इस हमले को लेकर अब्दुल के दोस्त ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। मेरा नाम परवेश है, मैं अपने दुकान पे बैठा था। मेरे दोस्त ने मेरे को कॉल करके आया। उतने में 3 गाड़ी आई, पहले 3 ट्रिपल सीट थे तीनों गाड़ी। उतने में कुछ पूछताछ नहीं हुआ, मतलब कुछ बातचीत नहीं किया, उतने में सामान निकाल के उसको मारना चालू कर दिए थे, सुला सिला के। अब्दुल खान, क्या हो जाए? वो हम लोग अपने दोस्त लोग के साथ घूमते हैं, तो उन लोग का कुछ विवाद था दोस्त लोग से, तो उसके चक्कर में इसको मारे। किधर हुआ ये? हुआ है अमरधाम ऑटो स्टैंड है ना, उसके बाजू में। कितने लोग थे वो? उन लोग थे कम से कम 15 से 20 जन थे उन लोग। मारपीट की हुआ, मतलब क्या चीज क्या हुआ? हथियार था, 2 चाकू था और 1 कोयता था। पुलिस से तकरार किया क्या संदर्भ में? इधर पहला तो ब्लड ज्यादा निकल रहा था, जल्दी जल्दी में इधर लेके आया हम लोग। इधर से कमर से लेके कमर पे 8 खड्डे, मतलब निशाने, गहरा गहरा, अभी कलवा बोल रहे भेजने को। क्या नाम है? परवेश।